सामने बोल रही ना खत्म करा दिया ना व्यक्ति सेटलमेंट करा के दे दिला के खत्म कर दिया बड़े भूतपुरे जारी है। मैं समझता हूं कि आज़मीन हज आना शुरू होने से बहुत पहले ही हम लोग जितने भी सहूलतें उनके लिए फराहम करना है उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब ताउन के साथ, क्योंकि दोनों तालमेल के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको उनके ऑफिसर जो हैं उनको सही तरीके से गाइड करते हुए जो भी काम करना है उसको पूरा करवाते जा रहे हैं। आज मैं भी आके यहाँ पर देखा हूँ जो फैसिलिटीज़ करना है, छोटे मोटे काम जो करना है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल का काम है या प्लम्बिंग का काम है, ये दो अहम है जब आज़मीन हज यहाँ आते हैं उनके लिए, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। जिस तरह से हर साल कमिटीज़ फॉर्म होते हैं, लगेज कमेटी से लेकर रिसेप्शन कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, ये सब जो है वो कमेटीज काम हो जाएंगे। और कोई स्टाफ की ज़रूरत है तो वहाँ डायरेक्टरेट से हो और दूसरे जो इदारे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत, वहाँ से भी ऑफिसर्स को डेप्यूट करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, गवर्नमेंट की है। गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है अरेंजमेंट्स करने में, इधर इस साल भी इंशाल्लाह बेहतरीन अरेंजमेंट्स होंगे। हर साल हैदराबाद का जो एम्बार्केशन पॉइंट है, ये मुल्क भर में जो एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उसमें हमेशा अव्वल दर्जे पर रहता है, वो टॉप लेवल में होता है। सेंट्रल हज कमेटी हो या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, हमेशा यहाँ जो अरेंजमेंट्स करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस साल भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगा। सिर्फ तेलंगाना के हाजी ही नहीं, आंध्रा के जो हाजी आते हैं, हाजी होते हैं जो भी रियासत के, वो
वहाँ के और चंद डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो आते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग सारे फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। एक फ्लाइट ज़रा जल्दी निकल रहा है जुलाई 18 को, बाकी फ्लाइट सारे 26 से अगस्त 4 तक, इस दरमियान 23 फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ होंगे। कैपेसिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं, 3 डिफरेंट कैपेसिटीज़ के फ़्लाइट्स होंगे। 8,000 से ज़्यादा हाजीज़ को हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे। सारे एयर इंडिया से पहले जद्दा जाएंगे, हज पूरा करने के बाद जो रिटर्न फ्लाइट है वो मक्का मुनव्वरा से, वहाँ से मदीना मुनव्वरा से वहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से हर साल 35 दिन की मोहलत मिलती है इनको, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में वहाँ रहेंगे, सारे जितने भी ज़्यारतें करना है इबादतें करना है वहाँ से आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे, बेहतर करते जाएंगे। लास्ट ईयर जो फैसिलिटीज़ करे थे, खासकर मसल्ला साहब चेयरमैन बनने के बाद जो ये नए टॉयलेट्स बने हैं या करीब में जो फंक्शन हॉल्स लेके जो अटेंडेंट्स आते हैं हर हाजी के साथ, उनके लिए भी फैसिलिटीज बेहतरीन दिए गए। इस साल भी वही काम है और हज हाउस का जो मेन बिल्डिंग है उसके साथ ही साथ जो अभी तामीर हो रहा है नया बिल्डिंग, उसके अंदर भी फैसिलिटीज रखेंगे, क्योंकि इस साल बरसात का भी मौसम होगा तो उसको भी उसका लिहाज करते हुए और उसको नज़र में रखते हुए जो भी फैसिलिटीज़ करना है इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग करेंगे। और एक बात यह है कि और सब साहब से तो बात हमेशा होती रहती है, जो हमारे एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया में वो और वहाँ के अच्छे नौजवान कौंसल जनरल भी हैं जद्दा में, उनसे भी बराबर कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। वहाँ भी जो फैसिलिटीज़ उनके तरफ से होना है या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होना है वो सब इंशाल्लाह सब करना है। सर ये आगे आंधिया होगा वहाँ पर होगा सब फिक्स रहेगा, टोटली वेदर प्रूफ और वाटर प्रूफ रहेगा। सर ये जितना भी रहेगा ओपन टेंडर रहेगा सर। 2013 से झूठे तो हालत में जो होना पड़ी वो ये मामला हाईकोर्ट में भी गया बाद में, होने के बाद 2 साल पहले अब इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको टर्मिनेट करके वर्कआउट डायरेक्ट अपने हाथ में लिए, और मैं समझता हूँ कि इस साल के दौरान काम शुरू होगा। इधर बहुत सारे इदारे जो अकलैती बहबूदी इदारे हैं इन सबको एक छत के नीचे यहाँ लाने की कोशिश तो हाई वो आइडिया है करेंगे।